शिमला जिले के रामपुर के समीप नोगली में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें स्थानीय प्रशासन की देखरेख में पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, एनसीसी, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, राजस्व, स्वास्थ्य समेत सीआईएसएफ व सेना ने हिस्सा लिया। शिमला जिला के रामपुर के समीप नोगली में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर पूर्व अभ्यास किया गया, जिसमें स्थानीय प्रशासन की देखरेख में पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, एनसीसी, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, राजस्व, स्वास्थ्य समेत सीआईएसएफ व सेना ने हिस्सा लिया। इस दौरान सतलुज नदी में बाढ़ के कारण बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की स्थिति की घटना का चित्रण किया गया। इस बाढ़ से नोगली वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन का निचला हिस्सा जलमग्न होना दर्शाया गया। स्कूल की ऊपरली मंजिल में फंसे बच्चों को रेस्क्यू करने का अभ्यास भी किया गया। एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान ने बताया कि डिजास्टर आने की सूरत में कैसे तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य किए जा सकते हैं, इसका पूर्व अभ्यास हुआ है। एयर से भी मूल्यांकन किया गया है कि किस तरह विभागों और अन्य संस्थाओं के सामंजस्य से आपदा से निपटा जा सकता है। इस दौरान ये भी पता लगाया गया कि विभागों में आपदा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कमियां हैं और इनका पता भी लगाया गया। एक मंजिल तक स्कूल की पानी में डूब गई है और इधर हमारे 15 से 20 बच्चे फंस गए हैं, तो हमने सीआईएसएफ, फायर, होमगार्ड की सहायता से इन बच्चों को किस तरह से हमने रस्सों की सहायता से इतनी दूर से निकाला से सुरक्षित तरीके से, वो आज हमने दिखाया आपको। और इसके अलावा हमारा हमने रिलीफ कैंप, हेल्थ कैंप ऊपर फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में लगाए थे, तो बच्चों को जो वहाँ से निकाल के वहाँ पर शिफ्ट किया गया, उनको फर्स्ट एड दी गई और बिजली सारे डिपार्टमेंटों ने इसमें भाग लिया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, फायर, फॉरेस्ट और आईपीएच वाले, उस हर वीडियो शायद यहाँ पर उपलब्ध है, और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सभी डिपार्टमेंट के जो विभागाध्यक्ष है सभी यहाँ पर आए और सभी ने जो भी इनका रोल हो सकता था, जो भी इनसे बेस्ट कोई ड्यूटी हो सकती थी, उन्होंने अपना अपना रोल निभाया। तो इस तरह की मॉडल हम भविष्य में सीआईएसएफ के अधिकारी ने बताया कि सतलुज नदी में बाढ़ से पानी छोड़े जाने पर उत्पन्न स्थिति का प्रदर्शन किया गया। ये भी पता लगाया गया कि किस संस्था के पास डिजास्टर से निपटने के कौन कौन से सामान हैं। बच्चों को ऊपर से नीचे कैसे सेफली लाया जाए, पूरा पानी भरा हुआ था, तो हम लोगों ने क्या किया, और अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपने यहाँ फॉरेस्ट वाले हैं, फायर वाले हैं और होमगार्ड्स वाले हैं, इनकी तीनों सभी लोगों ने अपने कोऑर्डिनेट करके और ऊपर से बच्चों को पहले सेफ अप्रोच किया हमारे लोगों ने, और लाइफ जैकेट वगैरह से सेफ्टी इक्विपमेंट पहन के, और फिर सभी को हम लोग सेफली तरीके से बाहर लेके आए, और सभी इसमें सभी लोगों का सबसे अच्छा योगदान रहा।